चांद बढ़ता घटता बढ़ता क्यों है? तो अल्लाह ताला ने यह जवाब नहीं दिया चांद बढ़ता घटता क्यों है, कहा ये पूछो किस लिए ऐसा होता है, यह क्यों होता है वो ना पूछो, वो तो मैं खुद ही करता हूं, किस लिए ऐसा होता है? कहा कुल ही मवाकीत लिन्नास वल हज, ये तो तारीख के तायुन का तरीका है, दुनिया के उफक पर अल्लाह ने एक कुदरती जंतरी रख दी है जिससे तुम्हें तारीखें मालूम हो जाती हैं, और खुसूसन हज का तुम्हें पता चल जाता है कब का हज करना है कब नहीं करना। स्पेशल हज का जिक्र किया जो तमद्दुनी माशी मुआशरती हवाले से अरब में तस्लीम शुदा एक क्या कहते हैं बहुत बड़ा इबादत तस्लीम शुदा इबादत थी। का कुल ये मवाकीत लिन्नासी वल हज, उन्होंने सवाल किया चांद घटता बढ़ता क्यों है, जवाब क्यों का नहीं दिया गया, जवाब किस लिए के दिया गया, ये ना पूछो क्यों बढ़ता है, ये पूछो किस लिए ऐसा होता है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुदरती जंतरी रख दी है, तुम इसके जरिए तुम तारीख का हिसाब कर सकते हो। ला इलाहा इल्लल्लाह वलैसल बिर्रु बि अन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, निकी ये नहीं कि घर के पीछे से दाखिल हो जाओ, वलाकिन अल्बिर्र मन इत्तका, नेकी ये है कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। रमज़ान में सारी तकवा की बातें थीं, अब यहाँ ये क्यों कहा जा रहा है? अरब में एक अजीब दस्तूर था, खुसूसन अंसार जाहिलियत में ये दस्तूर था, क्या कहते हैं अब वो जाहिलियत में जब लोग मुसलमान नहीं हुए थे उस वक़्त के अंसार में ये दस्तूर था, वो ये करते थे कि एहराम बांध लिया उमरे का या हज का, अब अचानक जरूरत से घर वापस जाना हुआ तो फिर सीधे दरवाजे से दाखिल नहीं होते थे, घर के पीछे से दाखिल होते थे। हमारे यहां भी अजीब अजीब चीजें हैं ना, अजीब अजीब चीजें हैं, अपनी तरफ से रसूम और रिवाज बना लेते हैं, यह भी एक रस्म थी, कहा यह घर से पीछे से दाखिल होना यह कोई तकवा नहीं है, जरूरत पड़ी सीधे सीधे तरीके से घर के अंदर दाखिल हो जाओ दरवाजे से। वलाकिन अल्बिर्र मन इत्तका, नेकी असल यह है कि तुम परहेजगारी तुम्हारे अंदर आ जाए। आज हजरत मोहतरम यही चीजें हमारे अंदर, अल्लाह ताला ने एक जुमले में जवाब दे दिया चांद तो तुम्हारी खिदमत के लिए बना हुआ और तुम उसके पीछे पड़े हुए, कोई चांद की चांद का हमारी किस्मतों पर क्या असरात पड़ते हैं, कहा नहीं बिठा नहीं इसको, तवज्जो खराब हो रही है, समझ आई बात की? तो हजरत मोहतरम पूरे ये कुरान करीम की ये जो आयत वो आयात जिनके अंदर रमज़ान का बयान है, सूरह बकरा के अंदर दूसरा सिपारा है, दूसरे सिपारे के दूसरे पाव का दूसरे निसफ का दूसरा रुकू है, ये आपके मैंने सामने रखा। अल्लाह की ज़ात मुझे आपको हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और रमज़ान पर अमल आसान फरमाए। वाखिर।